मन की। आइए ये शिव भजन आ रहा है MPI स्टूडियो के माध्यम से। इस भजन के रिकॉर्ड करने वाले हमारे प्रेम भैया नारायण जी मैनपुरी से और मैं मीना शास्त्री ग्राम मखिया। भक्तों ये भजन उस समय का है कि एक बार इधर भोले बाबा से सती मैया कहने लगी हैं कि हे स्वामी मेरे पति के मेरे पिता के यहाँ यज्ञ रचा हुआ है और मैं जाने की इच्छुक हैं, स्वामी मुझे आज्ञा दीजिए। मैं यज्ञ में जाएंगे, हमारी बहनें सभी रिश्तेदार आए हुए हैं। भोले बाबा मना करते हैं कि हे सती जी आप वहाँ मत जाओ तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई बुलावा नहीं आया है। क्यों जा रही हो? तो इधर भक्तों सती हट पकड़ जाती हैं और हाथ जोड़ करके कहने लगी हैं, और क्या बोली है भोले बाबा से, अरे जोड़े हाथ तुम्हारे शिव जी अरे मुखी अपने से कह दीजो स्वामी आज्ञा दे दीजो। हाँ कहने लगी है कि हे स्वामी मुझे आज्ञा दे दो, मेरे हृदय में बड़ी ही लालसा लगी हुई है, मैं पिता के यहाँ जाऊंगी। और क्या बोली, जोड़े हाथ तुम्हारे शिव जी और मुख अपने से कह दीजो पिता यज्ञ देखने को जाऊं स्वामी आज्ञा दे दीजो। हाँ लक्ष्मी जाए रही, मैं कैसे रह जाऊंगी, ऋषि मुनि बाबुरे देवता उन दर्शन करे आऊंगी। हाँ उन दर्शन करे आऊंगी, ब्रह्मा और लक्ष्मी जाए रही, मैं कैसे रह जाऊंगी, ऋषि मुनि बाबुरे देवता उन दर्शन करे आऊंगी, उन दर्शन करे आऊंगी, उन दर्शन करे आऊंगी। कहने लगे कि हे प्यारी बिना बुलाए नहीं जाया जाता है, तुम्हारे लिए कोई बुलावा नहीं आया है। भोले बाबा बड़े ही दुविधा में पड़े हुए हैं, कहने लगे क्या कहा कहूं कछु समझ न आवे, सुनो मेरी दिल की प्यारी रे, बिना बुलाए जायन करती ऋषि मुनि की नारी रे, ऋषि मुनि की नारी रे। अरे बिना बुलाए जाओ सती तुम्हारे
बात सती जी हट पकड़ जाती है, कहने लगी स्वामी नहीं, मुझे बहुत ही जरूरी है जाना, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैंने अपनी मैया के दर्शन नहीं किए हैं, बहनों के नहीं किए हैं। इधर भोले बाबा कहने लगे, हे सती तुम्हारे पिता का स्वभाव जानती हो, तुम्हारा जाना वहां ठीक नहीं। और क्या बोले, राजा दक्ष अभिमान में भूलो तुम्हें देख विदुरावेगा, वहां जाओगी सती वहां पर तुम्हें अपमान पाओगी। राजा दक्ष अभिमान में भूलो तुम्हें देख विदुरावेगा, वहां पर जाओ सती आ जाकर वहां अपमान पाओगी, वहां अपमान पाओगी। पिता ये